हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को अर्बन ब्लैक टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -10 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे तो उसके लिए हम ऑरेंज कलर पे जाएंगे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -8 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो गाइस, सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +18 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो ब्राइट लगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +15 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन को कर देंगे -100 एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +12 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +41 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को कर देंगे -100 एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -24 एंड नेक्स्ट जाते हैं शियान कलर पे एंड शियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन को करेंगे हम -100 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन को कर देंगे -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -24 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाले ऑप्शन पे जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड अपनी फिंगर की सहायता से इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को कुछ इस प्रकार से फिंगर को स्लाइड करते हुए हम मिलाएंगे। जैसे मैं मिलाता हूँ ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपनी फिंगर को स्लाइड करते हुए मिलानी है। तो गाइस, इसकी ह्यू है 245 एंड सेचुरेशन है 40। तो यहाँ से क्या करेंगे, ब्लेंडिंग को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो गाइस, ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +85 एंड यहाँ से वायलेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं लाइट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ब्लैक्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो गाइस, ब्लैक्स की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -13 एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +30 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, डीएच की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +9 एंड यहाँ से विनियट की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो गाइस, विनियट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -45 एंड मिड पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं 9 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, फेदर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +70 एंड यहाँ से राउंडनेस की वैल्यू को भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो गाइस, राउंडनेस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं 32 एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +24
एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी हम इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो स्मूथ लगे, ठीक है। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिफोर हमारा फोटो ऐसा था एंड आफ्टर ऐसा। सो गाइस आप लोग जूम करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी एडिटिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अगर गाइस आपको एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।